बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं हम और आप भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन कथा में आते हैं तो कथा में आकर के बैठ जाते हैं। अब भक्त सोचते होंगे कि महाराज जी कह रहे हैं कथा में आके बैठ जाते हैं, क्या खड़े होकर के कथा सुनना चाहिए? नहीं, अरे भैया कथा में आकर के तुम बैठो, लेकिन कथा तुम पर बैठ जाए तब कथा सुनने का मतलब प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि हम आए और कथा में बैठ गए, नहीं नहीं, अरे हम पर कथा बैठ है तब कथा सुनने का मतलब प्राप्त होता है। क्या करें, भक्त आते हैं आहा परमात्मा का पूजन करने के लिए, और तो और महाराज भगवान से मांगते हैं, अरे हमको कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता। एक माता राम थी, अब बहू को बेटा ना हो, बहुत परेशान, क्या करें बेटा नहीं हो रहा है। किसी ने कहा, अरे मैया काय को परेशान होते, अपने यहाँ भोले बाबा को मंदिर है, वहां चली जा, तेरी बहू को बेटा हो जावे वो। अबे कहने लगी ठीक है, बहू को लेकर के गई मंदिर में, पहुंची जोर से आवाज लगाई, अलाख निरंजन, आहा भगवान उसी समय प्रकट हो गए। क्या बात है माता राम, क्या बोल रही हो, क्या बताएं प्रभु, हमारे घर में बहू को बेटा ना हो, हमको बेटा की जरूरत है। भगवान शंकर ने कहा तुमको बेटा की जरूरत है? बोले हाँ। अरे चिंता काय करो तो? बोले काय? बोले जाओ सोमवार के दिन एक दर्जन केला हमारे मंदिर में चढ़ा देना, तुम्हारे घर में बेटा हो गया। बोले ठीक है, ठीक है। माता राम गई, बोले छोटी बात है। अब माता राम बाजार में गई, पहुंची, अब ठिलिया वाले बहुत सारे रहते हैं, केले की दुकान लगा, क्यों भैया ये केला कितने रुपया दर्जन है? बोले 20 रुपया। बोले हमको नहीं चाहिए, और बोले हमको तो भगवान को चढ़ाना, कुछ सस्ते दे दो। और आगे पहुंची, भैया केले कितने रुपया दर्जन है? बोले 10 रुपया। बोले नहीं नहीं ये भी नहीं चाहिए, और थोड़ा और सस्ते दे दो। थोड़ा और आगे पहुंची, भैया केला कितने रुपया दर्जन है? बोले 5 रुपया दर्जन। माता राम ने देखे 5 रुपया दर्जन केला। अब महाराज कहीं को केला का छिकला जावे, कहीं केला जावे, आहा कहीं पानी निकल रहा है। उसने सब एक दर्जन समेटे, एक पॉलीथिन में रखे, माता राम ले जाओ, ले आई मंदिर में, लाई भगवान को चढ़ा दिए। अब भगवान शंकर जब जब केला को उठावे और मुंह में रखना चाहे तो काय खो जावे महाराज, 5 रुपया दर्जन के केला थे। अब कहीं को केला जाए, कहीं को छिकला, भगवान का कोई बात नहीं, जैसा तुमने दिया है वैसा हम दे दें, भगवान ने प्रदान दे दियो। अब यहाँ माता राम की बहू को बेटा भाव, तो बेटा ये स्वभाव कि जब जब माता राम की बहू उस बेटे को हाथ लगावे तो बेटा टन्ना टन्ना जावे, बेटा टन्ना टन्ना जावे। बहू कहे कि देखो भगवान शंकर कहाँ गए थे, एक दर्जन केला चढ़ा के आए हैं, और बेटा जब हाथ लगाओ, जब जब छुओ, बेटा टन्ना टन्ना जाता है। अब बुढ़िया माँ को क्रोध आओ, बोले एक दर्जन केला चढ़ाए हैं, चलो हमारे साथ में। बहू का हाथ पकड़ा और ले गए, और जैसे ही ले गए तो ले जा करके मंदिर में पहुंची, अलाख निरंजन। भगवान बोले क्या बात है महाराज, बेटा तो तुमने दे दो, लेकिन ये सो बेटा दो है, क्या बताएं? बोले क्यों? जब जब बेटा को छुओ तो बेटा टन्ना टन्ना जावे। तो भगवान शंकर कहने लगे कि जब जब तुम्हारे कीला को हमने मुख में डालो तो कीला अब तक मुख में नहीं गो, तो जैसो हमारो हमने तुमने आपने हमको कीला पिलपिला चढ़ा दिया, ऐसा ही हमने तुम्हें बेटा दे दो। इसलिए मनुष्य को वो काम करना चाहिए, तुम जैसा कर्म करोगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। आहा गोस्वामी बाबा ने यहाँ भी लिख दिया बड़े सुंदर शब्दों में, कर्म प्रधान भी सो कर राखा।
कर राखा। जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज जैसे आज हम और आप अपने घर में गुरु बनाते हैं, भैया गुरु बना लो, गुरु बना लिया, लेकिन गुरु जी बन गए, सेवा हुई और कुछ समय बाद दो भाई थे, बंटवारा हो गया, घर में बंटवारा, जायदाद में बंटवारा। छोटा बोला बड़े भाई घर में बंटवारा हो गया और जायदाद में बंटवारा हो गया, तो बोले गुरुजी में भी बंटवारा हो गया। अच्छा बोले हाँ, बोले कैसे? बोले दाहिने तरफ के गुरुजी तुम्हारे और बाएं तरफ के हमारे, तो गुरुजी को बंटवारा होगा, वादे आधे कर रहे। एक दिन दोनों भाई खेत गए थे और गुरुजी आ गए, तो गुरुजी आके बैठे बीच दहलान में, पलंग डाल दियो, गुरुजी को बिठा दिया। आहा, गुरुजी बैठे, गुरुजी विचार कर रहे कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, आज तो बीच दहलान में पलंग डरा है और हम देखो महाराज क्या बताएं। अब दोनों भाई खेत गए थे, एक बहू आई बड़ी वाली, अपने बाएं पैर को धुलाया, अंदर चली गई। गुरुजी ने कहा ये कई पैर धुलो। एक बात छोटी बहू आई, गुरुजी अब हमारी बड़ी दीदी आई थी तुम्हारे बाल इस पैर को धुलाने, ठंडे पानी में धुला था कि गरम में? बोले बेटा ठंडे में। छोटी बहू गई थोड़ा कुनकुना करके ले आई, उनने दाहिना पैर धुला दिया। गुरुजी कह रहे आज क्या हो गया, एक एक पैर धुले जा रहे हैं, बात है क्या? अब महाराज थोड़ी देर में भोजन बन गया, दोनों तरफ का गुरुजी ने भोजन किया। अब बैठे, अब दोनों भाई आए खेत से, बड़े आए, बड़े ने आके अपने बाएं पैर को स्पर्श कर लिया और छोटे आए दाहिने पैर को स्पर्श कर लिया। गुरुजी कह रहे समझ में नहीं आ रही। अब गुरुजी ने भोजन किया, सो गए। बड़े भाई ने बाएं पैर को दाबना चालू किया, बाएं पैर को दाब रहे थे, दाबते दाबते बड़े को नींद का झोंका आया और उसने धोखे से दाएं पैर पे हाथ रख दिया। और जैसे ही दाएं पैर पर हाथ रखा, छोटा वाला देख रहा था, वहां से एक डंडा लेकर के आया और आकर के गुरुजी के बाएं पैर में डंडा मारना चालू किया। बोले अरे बड़े भाई ने हमारे वाले पैर को क्यों छुआ? इसीलिए हम तुम्हारे वाले पैर को डंडे से मारेंगे। बड़ा वाला कहने लगा ठीक है, तुम तो डंडा ही से मार रहे हो। बड़ा वाला अंदर गया और अंदर जाके महाराज एक कुल्हाड़ी ले आया, कहने लगा तुम तो गुरुजी के पैर को आज डंडे से मार रहे हो और मैं तो तुम्हारे वाले पैर को आज काट के ही फेंक दूंगा। तो बताइए महाराज, गुरुजी उठ करके बैठ गए। गुरुजी कहने लगे ऐसा बंटवारा मत करो भैया, अरे तुम भाई भाई बंटवारा कर लेते हो, घर का बंटवारा कर लिया, जायदाद का बंटवारा कर लिया और मेरा बंटवारा भी कर लिया, लेकिन हमारा तो गोविंदा नमो नमा हो जाएगा, इसलिए ऐसा बंटवारा मत करो। तो आज जो है हम और आप ऐसा बंटवारा करते हैं, नहीं करना चाहिए, गुरु का बंटवारा नहीं होता है। और मैं तो ये कहता हूँ किसी के घर में कभी बंटवारा नहीं होना चाहिए, हम और आप एक हैं और एक होकर के रहेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि कभी ने कहा है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, और ना कुछ ले करके आए थे और ना कुछ ले करके जाएंगे। जाना पड़ेगा कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधा जंजीर।
कि धर्मी सिंहासन चढ़े, धर्मी सिंहासन चढ़े, पापी डंडे खात और दया धर्म करते चलो कि मानो मेरी बात। इसलिए प्यारे हम और आपको इसी प्रकार अगर हम रहेंगे तो आनंद की वर्षा होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।